Hello student, today we read the story This White Elephant by Ruskin Bond. So let's begin now. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountain. The finest elephant in the tribe was a rare white animal. बहुत समय पहले की बात है, एक great herd मतलब एक झुंड, हाथियों का झुंड कहाँ पे रहता था, फॉरेस्ट जंगल के पास, हिमालय माउंटेन के जंगल के पास रहता थे. एंड दे फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर एलिफेंट, और जो वहाँ का जो सबसे फाइनेस्ट एलिफेंट था वो था रेयर वाइट एनिमल, मतलब बहुत ही वाइट एनिमल वैसे भी देखने को नहीं मिलता आज, जैसे कि आपको पता है. तो वहाँ पे एक वाइट एलिफेंट था जो बहुत ही रेयर था. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ द एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड. दुर्भाग्यवश क्या होता है, जो उस वाइट एलिफेंट की जो मदर होती है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और वो ब्लाइंड है. ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइल्ड फ्रूट फॉर हर एवरी डे, ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड दैट द अदर एलिफेंट हैड स्टोलन हिज मदर्स फूड. हालांकि क्या होता है कि जो वाइट एलिफेंट होता है अपनी मदर वाइट जो उसकी मदर जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ब्लाइंड है, उसके लिए वो क्या करता था रोज का रोज उसके लिए फ्रूट और जो स्वीट होते थे उसके लिए वो अरेंज करता था, लेके आता था इकट्ठा करके. और वो अक्सर क्या होता था, एंग्री हो जाता था. क्यों एंग्री हो जाता था, क्योंकि जो बाकी जो एलिफेंट होते थे वो उसकी मदर के फूड को चोरी करके खा लेते थे. तो इस बात से वो बहुत ही गुस्सा आ जाता था, किसको, वाइट एलिफेंट को. मदर ही सेड इट वुड बी बेटर इफ़ यू एंड आई वर टू गो अलाइव अलोन इन दिस टेंस एंड कि आई हैव डिस्कवर. अब वो जो वाइट एलिफेंट है अपने मदर को कहता है कि इट वुड बी बेटर, वो अगर अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएँ और वहीं पे कुछ दूरी पर एक केव मतलब होता है गुफा में, जो उसको जिसने उसने ढूंढा है वाइट एलिफेंट, तो हम लोग वहीं पे अकेले कुछ डिस्टेंस में है तो वहाँ जाके हम लोग अकेले रहेंगे, ताकि जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं तो वो वहाँ पर नहीं होगा. द मदर एलिफेंट एग्री एंड फॉर अ टाइम दैट टू ऑफ देम लाइव्ड हैप्पली इन अ पीसफुल स्पॉट नियर अ ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज, अंटिल वन इवनिंग दे हर्ड लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट. तो उसकी जो मदर होती है वो तो एग्री कर लेती है कि हम लोग खुशी के साथ, हम लोग दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ शांति के साथ कहाँ का कहाँ पर पीसफुली कहाँ पर रहेंगे, वहीं पर केव पर रहेंगे. फिर जब वहाँ पर वो रह रहे होते हैं तो वहीं पे क्या होता है, जो ग्लेड होता है एन ओपन प्लेस इन अ फॉरेस्ट, एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे जंगल का एक ऐसा जहाँ खुला हुआ हिस्सा ऑफ वाइल्ड फ्रूट ग्लेस, जहाँ पे क्या होता है जो जंगली फ्रूट है कि ट्री है वहीं पे लगा हुआ है. तो इवनिंग में क्या होता है, एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ आती है जो जंगल से आती है. That is the voice of man in distress. वो जो आवाज़ जो आती है वो बहुत ही दुख से भरा होता है. Distress मतलब होता है तो जो दुख से भरा है, जिसको बहुत ही किसकी नीड है, हेल्प की नीड है. तो एक आवाज़ आती है कि जो एक इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, जो बहुत ही सैड है, ग्लूमी है और जो क्या कर रहा है, क्या चाहता है, हेल्प चाहता है. सैड द वाइट एलिफेंट. अब ये चीज़ें कौन बता रहा है, वाइट एलिफेंट. अब वाइट एलिफेंट कहता है आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम. अब वाइट एलिफेंट अपनी मदर एलिफेंट से कहता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए, अगर उसको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे उसको मदद करनी चाहिए. तो डू नॉट गो माई सन, सेड हिज मदर, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वे ऑफ ह्यूमन बींग टू वार्ड अस, योर गुडनेस यू विल बी रिवॉर्डेड बाई ट्रेजरी. तो मदर जो होती है वाइट एलिफेंट से कहती है डू नॉट गो, तुम मत जाओ. आई एम ओल्ड और ब्लाइंड, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बूढ़ी हूँ और क्या हूँ, ब्लाइंड हूँ, और मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ, द वे ऑफ ह्यूमन बींग टूवर्ड अस, हम जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही बेकार है, मतलब कहने का मतलब वो बहुत ही लालची होते हैं. योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड बाई ट्रिबिल, तुम्हारी जो अच्छाई है उसको उसका तुम्हें क्या फल मिलेगा, मतलब उसको रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा, धोखा. ट्रिचरी मतलब होता है धोखा, मतलब तुम्हारे तुम्हें जो अच्छाई है तुम्हें अच्छाई का परिणाम क्या मिलेगा, तुम्हें धोखा मिलेगा. तो ये उसकी जो मदर होती है किसको बता रही है, वाइट एलिफेंट को. बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक everyone in trouble and he hurried down to the lake in the direction of that cries.
वेयर ही डिस्कवर अ मैन हु वॉज फॉरेस्टर। वहाँ पे क्या होता है, एलिफेंट इस अपनी मदर की बात को नहीं सुनता है और क्या करता है, मैं ये नहीं सुन पाऊँगा कि कोई जो है कोई कोई ट्रबल में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई दुखी है और मैं उसकी मदद ना कर पाऊँ। तो वो चाहता है, वो जल्दी से ही हरी डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन, वो किसकी तरफ, लेक की तरफ, झील की तरफ जाता है, झील के डायरेक्शन बहुत जल्दी के साथ। और वेयर ही डिस्कवर, वहाँ पे वो पाता है एक इंसान को, एक मैन को जो क्या है, एक फॉरेस्टर है ना। एंड वो कहता है, वाइट एलिफेंट डोंट फियर मी स्ट्रेंजर ही सेड एंड टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। अब जो फॉरेस्टर से कौन बोलता है, वाइट एलिफेंट, डू नॉट फियर, मुझसे मत डरो स्ट्रेंजर, अजनबी मुझसे मत डरो, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मुझे बताइए। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट, तब फॉरेस्टर क्या कहता है, वो वाइट एलिफेंट को कहता है, ही हैड बीन लॉस्ट फॉर 7 days एंड नाइट एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक टू बनारस वेयर ही लाइव। अब फॉरेस्टर वाइट एलिफेंट से कहता है, वो इस जंगल में 7 दिनों और रातों से खो चुका है, मतलब वहाँ पे वो खो चुका है कहाँ पे, जंगल में, और वो उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो रास्ता कहाँ बनारस के लिए जाता है। तो अब जो वाइट एलिफेंट है कहता है, क्लिम ऑन माई बैक एंड सेट द एलिफेंट चेयरफुली एंड आई विल कैरी यू होम। अब जो होता है, वाइट एलिफेंट कहता है कि खुश होकर कि क्लिम ऑन माई बैक, मेरे सिर मतलब मेरे पीठ पर क्या करो, क्लिम करो, मतलब चढ़ जाओ और वहाँ पे बैठ जाओ, आई विल कैरी यू होम, मैं तुम्हें घर पहुँचाता हूँ। द एलिफेंट कैरीड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट। बहुत अब क्या होता है, बहुत आसानी के साथ, तेज़ी के साथ उसको मतलब अपने बैक पे बैठा के वाइट एलिफेंट किसको, फॉरेस्टर को ले जा रहा है। एंड द फॉरेस्ट अंटिल देयर इज द ओपन कंट्री। अब जो फॉरेस्ट है, जहाँ तक उसकी सीमा कहाँ तक, जो कंट्री से लगा हुआ है वहाँ तक उसको ले जाता है। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट मतलब होता है बाहरी सीमा, जो जंगल का और कंट्री के बीच में जो बाहरी सीमा है वहाँ तक उसको ले जाता है, ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव। तो कहाँ तक ले गया, बाहरी सीमा तक ले गया, किसको, वाइट एलिफेंट किसको, फॉरेस्टर को, बाहरी सीमा तक, जो आउटस्कर्ट है वहाँ तक ले गया। अब तो जो फॉरेस्टर है, वॉज ग्रीडी एंड कनिंग, वो बहुत ही लालची हो जाता है, कौन, फॉरेस्टर की, वो बहुत लालची हो जाता है और बहुत ही कनिंगली मतलब उसके माइंड में प्लान चल रहा है, मतलब दिमाग में धोखा देने वाला प्लान चल रहा है कि ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड इट। जो किंग का जो फेवरेट, वो जानता है कौन, फॉरेस्टर जानता है कि जो किंग का जो फेवरेट एनिमल है वो उसकी डेथ हो चुकी है। द किंग वुड रिवॉर्डेड मी रिचली। अगर वो सोचता है कि किंग मुझे रिवॉर्ड देंगे और मैं क्या हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, मतलब बहुत पैसे वाला आदमी हो जाऊंगा। तो थॉट दैट मैन, इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, ही स्ट्रेट वे आस्क फॉर अवर रॉयल ऑडियंस। अगर वो इसको कैप्चर कर लेगा, मतलब इसको किसको, वाइट एलिफेंट पर कब्जा कर लेगा और इसको किसको, रॉयल मतलब राजा को दे देगा, तो उसके बदले में उसको इनाम मिलेगा और ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसके माइंड में ये कनिंग चल रहा है, वो लालची हो गया है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो वो क्या करता है, द किंग वॉज डिलाइट वेन ही हेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट, आई वुड लव टू पजेस सच अ फाइन क्रिएचर, गो बैक टू द फॉरेस्ट विद अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर एंड इफ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट यू शैल बी वेल रिवॉर्डेड। अब वो सोचने लगता है कौन, कि ये सब चीज़ें अगर राजा को मैं दे दूँगा तो उसको बदले में गिफ्ट मिलेगा। तो अब जो है वो क्या करता है, अब आउटस्कर्ट मतलब बाहरी सीमा में, तो उसको छोड़ के चला जाता है, तो किसको, फॉरेस्टर को। अब फॉरेस्टर जो है वो किसके पास आता है, किंग के पास आता है और किंग को किसके बारे में बताता है, डिस्क्रिप्शन किसके बारे में करता है, कि वाइट एलिफेंट के बारे में बताता है, वाइट एलिफेंट के बारे में जो फॉरेस्टर है किंग को बताता है, और किंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो किंग कहता है कि मुझे खुश, आई वुड लव टू पजेस सच अ फाइन क्रिएचर, मुझे खुशी होगी कि मेरे पास इस टाइप का एक क्रिएचर हो, एक प्राणी हो जो रेयर है, था मतलब ये असाधारण नहीं होता ना वाइट एलिफेंट होना। तो गो बैक टू द फॉरेस्ट, अब वो क्या कहता है, जंगल में कहाँ पे जाओ, गो बैक टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वापस जाओ, अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल, जो उसके पास जो ट्रेनर होते हैं जो बहुत ही स्किलफुल हैं, तो अपने ट्रेनर को के जितने भी बैंड हैं
बैंड मतलब जो ग्रुप है, जो ट्रेनर के जो ग्रुप हैं स्किलफुल ट्रेनर के, उसको लेके जाओ और उसको किसको कैप्चर करके आओ, मतलब उसको पकड़ के लाओ। जो रेयर एलिफेंट है, रेयर मतलब असाधारण, मतलब जो नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता है, उस वाइट एलिफेंट को पकड़ के कैप्चर करो और तुम्हें इसके बदले में इनाम मिलेगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क वाइल राइडिंग बैक टू बनारस। जो फॉरेस्टर होता है वो बहुत ही कनिंगली मतलब बहुत ही चतुराई से क्या करता है, वो नोट किया रहता है कि जिस रास्ते से उन लोग राइडिंग मतलब वो जिस रास्ते से आया रहता है बनारस के लिए, उसी रास्ते से वो वापस कौन जाएगा, जो वाइट एलिफेंट है। तो ही लेड द ट्रेनर टू दैट लेक वेयर द वाइट एलिफेंट वाज गैदरिंग बम्बू स्टीम फॉर हिज मदर इवनिंग मील। व्हेन द एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ ट्रेनर ही न्यू ही हैड बीन बिट्रेड। अब जो वाइट एलिफेंट जो होता है मतलब उसको पता होता है कि किस रास्ते से वो आया हुआ है, और उसको ये भी पता होता है किसको, फॉरेस्टर को, कि वो कहाँ पे बम्बू के पास, जो बांस बम्बू का जो स्टेम होता है, तो उसको आपको पता है ना कि जो हरी भरी जो पत्तियाँ होती हैं, जो बम्बू मतलब होता है बांस या फिर और जो लकड़ी जो होते हैं, जो उसके तनों को स्टेम को कौन खाता है, जितने भी एलिफेंट है वो सब खाते हैं, तो वो उसके लिए मील है, खाना है, तो इवनिंग मील होता है किसके लिए, मदर के लिए। तो उसको पता है कि वाइट एलिफेंट जो होता है लेक के पास आता है, जहाँ पे क्या होता है बम्बू की स्टीम है, उसको लेने के लिए, ताकि वो अपने मदर को के लिए खाना ला सके। तो वेन द एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर वेन द बैंड ऑफ ट्रेनर, तो उसी समय क्या होता है, एलिफेंट देखता है किसको, फॉरेस्टर को, जो किसको लेके आया अपने साथ, अपने साथ जितने भी ग्रुप ऑफ जो ट्रेनर है जिसको हम लोग बैंड कहते हैं, तो पूरे अपने ट्रेनर को लेके आया हुआ है। एंड ही न्यू ही हैड बिट्रेड, अब उसको पता चल जाता है कि उसको धोखा दिया गया है, किसको, वाइट एलिफेंट को धोखा दिया गया, क्योंकि जो फॉरेस्टर है वो अपने साथ किसको लेके आया है, जो स्किलफुल ट्रेनर हैं जो हाथियों को पकड़ते हैं, जो जंग, तो उसको पकड़ने के लिए वो आया हुआ है, तो उसको पता चल गया कि उसको धोखा दिया गया है। ही ट्राई टू स्कीप, वो वहाँ से बचना चाहता है। द ट्रेनर परस्यूड हिम एंड सून सक्सीडेड कैप्चर, लेकिन जो ट्रेनर होते हैं बहुत ही आसानी से उसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। देन दे लीड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड इंटर द बनारस इंटरम, अब वो क्या करते हैं, अब उसको पकड़ के बनारस में बहुत ही क्या, उसको सफलता मिल जाती है, विक्ट्री मिल जाती है कि उसने वाइट एलिफेंट को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया है, वो बनारस ले जा रहे हैं। The poor mother elephant waiting for his son to return felt certain that he had been captured. अब जो poor elephant मतलब जो elephant है, जो बिचारी elephant है, वो बहुत ही दुखी है, जो इंतज़ार कर रही है किसके, अपने son के return का, वापसी का, कि वो कि कब वो उसके लिए खाना लेके आएगा करके। लेकिन फील सर्टेन दैट ही हैड बिन कैप्चर, उसको थोड़ा सा एहसास होता है, फील होता है कि उसको कोई उसको कैप्चर ना कर ले, पकड़ ना ले। व्हाट सेल आई डू विथआउट हिम सी क्राइड, अब जो वाइट एलिफेंट बहुत ही रोता है कि व्हाट सेल आई डू विथआउट हिम, मैं उसके बिन, वो मेरे बिना क्या, मतलब वो उसके बिना और वो मेरे बिना, मतलब एक मदर जो कि ब्लाइंड है और बूढ़ी हो चुकी है, वो उसके बिना कैसे जिएगी। Who will bring me food and lead me the lotus lake for water? अब जो बूढ़ी माँ है, जो ओल्ड एलिफेंट है, वो बहुत ही क्या कर रही है, क्राई कर रही है कि मैं उसके बिना कैसे करूँगी। Who will bring me? वो कौन उसके लिए खाना लेके आएगा, कौन उसको लोटस लेक के पास वाटर के लिए लेके जाएगा। The heart of her son was equally heavy, और उसी समय जो मतलब वो भी, उसका जो सन है वो भी बहुत दुखी है। एंड वॉट विल सी डू विथआउट मी, अब उसको भी लगता है कि वो उसकी मदर है, वो उसके बिना कैसे क्या करेगी। ही थॉट इफ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, अगर वो सुन लेता, कौन, वाइट एलिफेंट अपनी मदर की बात सुन लेता, तो ये आज उसको ये दिन देखने को नहीं पड़ता। इन स्पाइट ऑफ हिस अनहैप्पी लुक द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, इस सब के बावजूद वो बहुत ही दुखी है, कौन, वाइट एलिफेंट, द एलिफेंट फाउंड फेवर विद, अब वो जो एलिफेंट है वो किसका फेवर चाहता है, किंग का। हु डिक्लेयर ही वुड राइड नो अदर एनिमल, जिसने डिक्लेयर कर दिया है, क्या डिक्लेयर कर दिया है, कि अब जो किंग है वो किसका मतलब किसका राइड मतलब किसकी सवारी करेंगे, ओनली वाइट एलिफेंट का, उस और किसी एलिफेंट का मतलब और किसी क्रिएचर का, एनिमल का वो सवारी नहीं करेंगे, राइड नहीं करेंगे।
The elephant stable was richly decorated in his honor, and the king rode him the state through the city. अब जो इस स्टेबल मतलब होता है जहाँ पे हाथियों को या जो भी एनिमल्स होते हैं उसको रखते हैं, तो अस्तबल होता है घोड़ों का, जैसे अस्तबल होता है तो वैसे ही एलिफेंट का स्टेबल होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे एलिफेंट को रखा जाता है उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, किसके सम्मान में, किंग के सम्मान में। अब वो जो एलिफेंट है उसको बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट कर दिया गया है। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एलिफेंट को बहुत ही डेकोरेट कर दिया गया है, जिसकी ऊपर किंग सवारी कर रहे हैं। और बट अ फ्यू डे लेटर द ट्रेनर केम टू द किंग इन अ ग्रेट डिस्टेंस सेइंग, योर मेजेस्टी द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक वाइल इट नथिंग। अब वो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो ट्रेनर, जो एलिफेंट के जो ट्रेनर होते हैं, वो आते हैं और किंग को एक दुख भरी बात बताते हैं। मेजेस्टी द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल नॉट ईटिंग। जो वाइट एलिफेंट है बहुत ही कमज़ोर हो गया है और क्या हो गया है, वो बहुत कुछ भी नहीं खा पा रहा है। द किंग हरी टू द स्टेबल। अब जो किंग होता है बहुत जल्दी से वो स्टेबल में पहुंचते हैं, मतलब जहाँ पे हाथी को रखा जाता है स्टेबल, वहाँ पे पहुंचते हैं। व्हेन ही सॉ द एलिफेंट लुक द डिस्पेयर, जहाँ पे वो देखते हैं जो एलिफेंट है बहुत ही दुखी है। ही सेड गुड एनिमल हाउ यू हैव चेंज। वो किंग जो है वो एलिफेंट से कहते हैं, गुड एनिमल हाउ यू हैव चेंज, तुम इसे कैसे चेंज हो रहे हो। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, क्यों तुम मना कर रहे हो खाने के लिए, तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे हो। एनी थिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू, तुम जो चाहोगे तुम्हें मैं तुम वो खा सकते हो, मैं तुमको इसके लिए मैं ग्रांट परमिशन दूंगा, मतलब परमिशन दूंगा। तो ग्रेट किंग आंसर द एलिफेंट माउंडफुली। अब जो किंग को बहुत ही बहुत दुख के साथ, माउंडफुली में दुख के साथ आंसर दे रहा है वाइट एलिफेंट, ऑल आई डिजायर इज टू रिटर्न to my poor blind mother in the forest for while she is alone and starving, how can I eat। मैं आई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं अपने पुअर मदर, मतलब जो उसकी ब्लाइंड मदर है, उसके पास वापस जाना चाहता हूँ जंगल में, क्योंकि वो अकेली है और वो भूखी है। और जब वो अकेली और भूखी है तो मैं स्टार्विंग मतलब होता है भूखी, तो वो जब वो भूखी है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। Now the king was a good king, जो king है वो बहुत ही अच्छा king है, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, noble animal, your goodness puts mankind to shame, I give you freedom to return your mother at once। अब वो जो king होता है बहुत अच्छा human being होता है, अच्छा इंसान होता है और एक अच्छा राजा होता है, तो वो चाहता है, वो क्या चाहता है कि ही सैड नोबल एनिमल यू गुडनेस बूट्स मैन काइंड टू सिम, तुम्हारी जो अच्छाई है जिसको क्या किया गया है कनिंगली, मतलब मैन काइंड, मतलब हमारे इंसानों के लिए बहुत ही अपमान की बात है, क्योंकि तुम्हें कैसे किया गया, तुम्हें कनिंगली मतलब बिट्रे किया गया, तुम्हें डिसीट किया गया, तुम्हें धोखा दिया गया और धोखे के साथ तुम्हें कैप्चर करके यहाँ लाया गया, तो ये हमारे इंसानों के लिए बहुत दुख की बात है और हमारे लिए अपमान की बात है। तो जो किंग होते हैं क्या करते हैं, राजा को फ्रीडम दे देते हैं कि जाओ तुम वापस घर जा सकते हो अपने घर के पास। द एलिफेंट थैंक द किंग विथ अ लाउड ट्रम्पटिंग एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट। व्हेन ही रीच्ड द केव ही फाउंड टू हिज जॉय एंड दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव। अब एलिफेंट थैंक करके किसको, किंग को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है, और बहुत ही ट्रम्पटिंग मतलब अपनी सूंड के साथ जो आवाज़ आता है ना उसको बहुत ही आवाज़ करता है और वहाँ से चला जाता है, और सिटी को छोड़कर वो क्रेसिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट बहुत ही जल्दी जल्दी कहाँ भी फॉरेस्ट में चला जाता है, और वो अपने केव के पास मतलब गुफा के पास पहुँचता है। वहाँ बहुत ही खुश हो जाता है जब वो देखता है किसको, अपने जब जो मदर है वो अभी तक मतलब जो अभी तक जी रही है, लाइव कर रही है, तो उसको देख कर बहुत ही खुश हो जाता है। अह माई सन सी सेड व्हेन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी, जब उसकी मदर जो उसकी पूरी की पूरी कहानी सुनती है, तो उसकी मदर
उसको कहती है, यू शुड हैव लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात अवश्य सुनना चाहिए। ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू अवर रेस, जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमारे लिए हमेशा, हमारी जाति के लिए, मतलब पूरी एलिफेंट जाति के लिए नुकसानदायक है, जो हमारे लिए नुकसान लेके आती है, मतलब हमारे लिए वो मतलब हमें धोखा दिया जाता है, वो हमारे लिए कभी अच्छे नहीं करते, हमें धोखा ही देते हैं। तो जो वाइट एलिफेंट होता है वो अपने मदर से कहता है, ही सेड ट्रेम्बलिंगली, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उसके साथ, कि द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस, जो किंग है बहुत ही नोबल है, एक अच्छे इंसान है, बहुत ही दयालु आदमी है। आई शुड स्टिल बी इन द कैप्टिविटी, मैं उसके उसके जो जो उसने किया है, जो हम जो फ्रीडम उसने दिया है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। लेट्स फॉरगेट द ट्रीचरी, हमें क्या भूल जाना चाहिए, ट्रीचरी, जो दो ट्रीचरी मतलब होता है डिसीट, धोखा, जो भी हमें धोखा दिया गया है उसको हमें भूल जाना चाहिए, जो फॉरेस्टर ने हमें दिया था। थिंक ओनली ऑफ द किंग गॉडनेस, और हमें जो किंग की जो अच्छाई है उसे याद रखना चाहिए, जो उसने हमें दयालु दिखाया है उसको हमें याद रखना चाहिए। इस तरह से यह स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो एंड यू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।